यह तिरंगा तीन रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज तो देश की शान है। यह ध्वज हर एक भारतवासी के दिलों का स्वाभिमान है। अरे यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं हूँ दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आज समस्त भारतीयों के लिए काफ़ी खुशी का दिन है। आज हम सभी देशवासी अपने देश का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज हमें खुशी है कि हम अपने गणतंत्र का 73वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और पूरा देश तिरंगे के सम्मान में नतमस्तक हो गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। अपनी संस्कृति, सभ्यता, आपसी समरसता और संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले भारत के सभी नागरिकों के लिए यूं तो उत्सव मनाने के कई मौके और दिवस आते हैं, लेकिन आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने वाले हम सभी भारतीयों के लिए आज बहुत ही खास दिन है और इसी अवसर पर सिल्क टीवी की पूरी टीम की ओर से आप सबों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि हम स्वतंत्र और गणतंत्र भारत के नागरिक हैं, लेकिन इस क्षण को जीने और स्वतंत्रता के लिए ना जाने कितने देशभक्तों ने अपनी आहुति दी है। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने और मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य वीरों ने निसंकोच होकर अपने जीवन की आहुति दी, जिसके लिए हर भारतवासी सदा उन तमाम वीरों, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी रहेगा। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खुद को कुर्बान कर हमारे देश के वीरों ने अपनी परवाह किए बगैर अपने प्राणों को हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर दिया। अब हम आपको ऐसे ही कुछ वीरों की याद दिलाते हैं जिनके योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे असंख्य वीर शामिल हैं। यहाँ हम देश के स्वतंत्रता सेनानियों और अहिंसावादी आंदोलन के विभूतियों के योगदान को भी नहीं भुला सकते, जिन्होंने अलग मार्ग पर चलकर देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई। इन्हीं देश प्रेमियों के त्याग और बलिदान के कारण आज हमारा देश स्वतंत्र और गणतांत्रिक देश बना। भारत का संविधान तैयार करने में देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ, जिसके कारण ही हम आज के दिन शान से देश भर में तिरंगा फहराते हैं और आज़ादी के परवाने को याद कर नमन करते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजी शासन से मिली आज़ादी के करीब 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और भारत ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर लागू हुए संविधान ने ही देश के नागरिकों को समानता और सुरक्षा का अधिकार के साथ कई तरह के अधिकार और निर्वाचन के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया, जो हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है। हमारे देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं संघर्ष से मिली आज़ादी के बाद संविधान सभा द्वारा भारत का अपना संविधान बना, जिसमें सभी नागरिकों के मूल कर्तव्य और अधिकारों के साथ नियम कानून का उल्लेख है, जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था का संचालन विगत 72 वर्षों से निरंतर जारी है। वैसे तो बदलते दौर के साथ काफ़ी कुछ बदलाव भी होते रहे हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यों और आज़ादी की कीमत चुकाने वाले उन सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। आज़ादी की ये वीर गाथाएं और देश के लिए किए गए संघर्षों की कहानी ही है जो हमें ना सिर्फ स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस उत्सव मनाने का अवसर देती है, बल्कि हर देशवासी अपनी अपनी संस्कृति और धर्म के अनुसार तमाम तरह के उत्सव, पर्व, त्यौहार के साथ किसी तरह का समारोह खुशी और उल्लास के साथ मनाने के लिए स्वतंत्र हैं। गणतंत्र दिवस देश पर मर मिटने वाले और अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर है। हमें गर्व है कि हम सभी भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य के निवासी हैं, जिसे सरल शब्दों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है।
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहां की सरकार और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता के हाथों में होता है, जिसके बाद सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी देश और जनता के हित में कार्य करने की होती है। देश के विकास और जरूरतों के अनुरूप संविधान में संशोधन कर जरूरी बदलाव किए जाते रहे हैं, जिससे देश एकजुटता के साथ निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। भारत विविधताओं का देश है, जहां विभिन्न धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, जाति और समाज के लोग आपसी सद्भाव और एकजुटता के साथ अपनी परंपराओं का पालन करते हैं, जिसकी झलकियां हर वर्ष रिपब्लिक डे समारोह के दौरान इंडिया गेट के समीप राजपथ पर देखी जाती है। इस समारोह में भारत की सैन्य शक्ति के साथ अलग अलग राज्यों की संस्कृति, लोक कला, सांस्कृतिक विरासत, महिला सशक्तिकरण, कई विभाग और राज्यों की झांकियां प्रस्तुत की जाती है, जो विविधतापूर्ण एकजुट राष्ट्र का जीवंत उदाहरण है। गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति इंडिया गेट के समीप राष्ट्रध्वज फहराकर परेड की सलामी लेते हैं और इस समारोह के मुख्य अतिथि विदेश से आए खास मेहमान होते हैं। इसके अलावा काफी संख्या में विशिष्ट अति विशिष्ट छात्र छात्राएं और आम लोग भी गणतंत्र दिवस समारोह के साक्षी होते हैं। ध्वजारोहण के साथ ही पूरा राजपथ राष्ट्रगान से गूंज उठता है, जिसके बाद परेड और झांकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह पल हर भारतवासी को गर्व का एहसास कराता है।